हाय फ्रेंड्स, हेलो। मैं डॉक्टर विशाखा। एक्चुअली ये वीडियो मैं दिल्ली से बना रही हूँ और ये वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ रिगार्डिंग मुक्तेश्वर, जो कि नैनीताल से ऊपर पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी जगह है। द प्लेस वेयर एप्पल्स ऑर्चार्ड, प्लम ऑर्चार्ड, आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ें वहाँ पर देखने के लिए मिलती है। नेचर, वेरी ब्यूटीफुल नेचर। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, बहुत कम पॉपुलेशन। मतलब लाइक जैसे हम नैनीताल में देखते हैं, देहरादून में देखते हैं, या हम किसी भी वैष्णो देवी है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस रहती हैं, बट यहाँ पे क्राउड नहीं है, बहुत कम क्राउड है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। हम जहाँ पर स्टे कराए हमने मुक्तेश्वर में, वो सुनकिया प्लेस है, सुनकिया विलेज का नाम है। शायद आप लोगों ने कम सुना हो इस जगह को, बट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है और लोग बहुत ही प्यारे हैं वहाँ पर। हमने जहाँ पर स्टे किया था, दैट प्लेस इज़ नंदन खनन। मुक्तेश्वर में पड़ती है सुनकिया विलेज में नंदन खनन। मैं आपको रियली स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आप वहाँ जाएं तो कोशिश करें कि नंदन खनन में एक बार ज़रूर जाएं। बहुत ही प्यारा होमली एनवायरनमेंट है और फैमिली इतनी ज़्यादा अच्छी है, बहुत फैमिली प्यारी है वो। हम जहाँ पे रुके थे, दैट इज़ होम स्टे जिसका नाम नंदन कनन है, जो सुनकिया में पड़ता है। और आई एम रियली मिसिंग दैट प्लेस। हमें वहाँ से आए हुए एक हफ्ता हो चुका है, बट नंदन कनन इज़ रियली वेरी नाइस। और वहाँ के जो ओनर है नीरज, वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है और कभी भी किसी चीज़ के लिए नो नहीं कहते। ही इज़ ऑलवेज देयर। आप रात को कभी भी उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कॉल कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लो। आजकल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे। तो मैं चाहूँगी वहाँ पे आप स्टे करें, देखें वहाँ।